तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वनीक कृषद रचित भाई कन्नौज से कनेक्टेड है हमारे साथ और उनका पिछले सौ साल से अधिक का भी इतिहास है असेंशियल अतर नेचुरल फॉर्म के अतर जो होते हैं उसको विश्लेषण करते हैं तो रचित भाई मैं आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर और जिस टॉपिक की बात करने जा रहे थे आपने मुझे बताया था इसको फिरंगी पानी भी कहते हैं फ्रेंची पानी भी कहते हैं एक तरीके का फ्लावर होता है शेर बीच में हल्का सा येलो कलर अंदर होता है हो इसके अतर के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे तो अचित भाई क्या होता है फिरंगी पानी किस तरीके का फूल होता है और इसके डिस्टिलेशन को जो करा जाता है क्या वही तरीका है क्या इंपॉर्टेंस है थोड़ा सा बताइए एक एक अरा भाई जब फिरंगी पानी के बारे में तो उसका मैं थोड़ा सा आपको एक में ले जाना चाहूँगा जो फिरंगी पानी देखिए फिरंगी पानी क्या है फिरंगी पानी का जो फ्लावर होता है उसे लोग कनेक्ट करते हैं जो जैसे चंपा का फ्लावर होता है उससे वो लोग कनेक्ट करते हैं इसको लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये जो फ्रैंगी पानी का जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा जो मिडल ईस्ट अमेरिका था वहाँ से स्टार्ट हुआ ये वहाँ से स्टार्ट हुआ बाहर वाले लोगों ने खेती करना है इसकी स्टार्ट की फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ फिर ये इटली में आया इटली में इटली में सोलहवीं शताब्दी में ये आया था तो वहाँ के लोगों ने क्या किया वहाँ के लोगों ने सोचा कि जो मतलब सोलहवीं शताब्दी में जो भी राजा महाराजा थे तो उन्होंने इसका ऑयल निकालने की कोशिश की यानी कि उसको इत्र का रूप देने की कोशिश की लेकिन जब उन्होंने इसको बनाने का ट्राई किया तो वो वहाँ पे नहीं निकला फिर उन्होंने इस चीज़ को जो है एक सिंथेटिक फॉर्म में बना के जो आज कल हमारे फ्रांस में भी आ गया है उस उसके थ्रू फ्रांस के थ्रू आने लगा है लेकिन वो एक, जो है वो एग्जैक्टली exactly फिरेंगी पानी का डेस्टलेशन के थ्रू नहीं है वो एक तरीके से एरोमेटिक ऑयल है जो आज सारी इंडस्ट्री में यूज़ किया जा रहा है अब हम आते हैं फिरेंगी पानी के ऊपर जो हम बनाते हैं अब हमारा हमारा सिस्टम क्या होता है जैसे अब इंडिया में क्यों बात करें तो उसका मेन एन जी है वह आपका कर्नाटक हो गया और ये छत्तीसगढ़ के आसपास पास एरिया होते हैं वहाँ पे इसका फ्लार्क बनाया जाता है ठीक वहाँ से हम इसको मंगाते हैं वहाँ से मंगाने का प्रोसेस हमारा होता है जो थर्मापोल के बड़े बड़े टिकापोल सब कन्स्टर या कंटेनर जो होते हैं उसमें ये आइस की आइस के साथ रख के आता वो हमारा ऑरजन होता है डेली बट डेज में यहाँ मंगाते हैं वो एक अलग चीज़ हो गई तो हमारा इसका टिस्टलिस्ट का प्रोसेस होता है वो हमारा डेग में भी बन जाता है ये जो फ्रेंड ये पानी और हमारा बाइलोटी टाइम में बन जाता है तो आज हम बात करेंगे डेग हुआ की तो डेग में जो हमारे बनाने का प्रोसेस होता है वो एज इट इज़ सेम होता है जैसे हमने प्रीवियसली वीडियो में बताया हुआ है उसमें ज़्यादा अगर बात करेंगे तो नमची छी रहेंगे वीडियो प्रीवियस वीडियो आप देख के उसे पता लगा सकते हैं कैसे है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊँ जैसे ही सेम एज़ इट इज़ फॉर्म है और भाई इसकी जैसे हम बात करें अगर आप इसको अगर प्रॉपर इसकी फ्लोरन इसकी जो नोट्स होती हैं प्रॉपर फ्लोरन नोट्स होती हैं आप उसे जो भी उसे यूज़ करेगा या जो उसे लगाएगा वो एक प्रॉपर फ्लोरेली नोट्स की मिलने वाली और इसमें जो सॉफ्ट टच होता है वो जैसे वनीला जो होता है वनीला का आपने कभी आइसक्रीम खाई हो कोई भी चीज़ आपने देखी हो वनीला से वो वाला टच इसमें आता है बहुत ही शार्प स्मेल होती है इसकी और बहुत ही प्यारी खुशबू होती है जो वनीला के टच के साथ ही हुई वनीला का टच अगर आता है तो लास्ट लास्टिंग और प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली बनी पड़ जाता है क्योंकि ये खुलने वाला प्रोडक्ट होता है जो वो नेचुरल क्योंकि वनीला नेचुरल आइटम है वो उसका भी एक्सट्रक्शन होता है हमारे वो एक नेचुरल आइटम तो वो उसकी जो स्मेल होती है वो उसमें वनीला उसमें सॉरी फ्रेंगी पानी में नोट्स आती है जो उसको फ्रेंगी पानी को बोस्टिंग देने का काम करती है जिससे प्रोजेक्शन ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है जनरली कहा जाता है मुझे मई कि अगर कोई भी फ्लोरल अतर ले रहे हैं आप तो उसकी लास्टिंग ज़्यादा नहीं रहती ये एक बहुत कॉमन सी बात है सबको पता जो नेचुरल यूज़ करते हैं तो क्या फ्रेंजी पानी जो फ्लॉर है इसका जो अतरक है उसकी लास्टिंग बाकी फ्लावर वाले अतर से ज़्यादा रहती है रहा देखिए मैं इसमें अब जब एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ जिस भी फ्लो फ्लावर में ई थ्री कंटेंट होगा उसकी लास्टिंग ऑटोमेटिकली कम अगर हम ई थ्री कंटेंट की बात करते हैं तो हमारा वो थोड़ा रोज में भी पाया जाता है और केवड़ा में तो बहुत ज़्यादा ही होता है यानी कि जिसमें जिसको लगाने के बाद उगने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होती है अगर जैसे हम आज बात कर रहे हैं फिरंगी पानी तो इसमें इतनी कंटेंट जितना नहीं होता इसीलिए इसकी लास्टिंग बाकी जो हमारे और भी अतार जैसे गुलाब हो गया केवड़ा हो गया धोपिया इससे कई ज़्यादा इसकी होती है मोतिया में लास्टिन अच्छे में ड्राई इसमें भी उतनी कम हो और अच्छी लास्टिंग मिल गई तो वो फिरंगी पानी में भी जो है वो नास्टिन आपको डेफिनेटली उन सब चीज़ों से ज़्यादा मिलेगी केवड़ा से और भाई जो मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो अपनी इथरी कॉन्टेंट की बात करते कि अगर जो 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 फूलर है मेरे पास फास्ट मिलने की हम गुलाब का है या चंपा है या चमीगर जिस फ्लावर की लास्टिंग खुशबू की लास्टिंग ज़्यादा नहीं हुई तो उसके अतन की लास्टिंग भी ज़्यादा रही कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं जैसे बात समझा आप थोड़ा क्लियर जैसे कि गुलाब मैं गुलाब और चंपा और चमेली और कमल इनको मैंने एक ही टाइप पे प्रोडक्ट चाहिए और चारों को मैंने अलग अलग में रख दी अब मैं, मैं चंपा चमेली गुलाब सबको जाकर दो घंटे बाद सुनता हूँ तो हाँ चमेली खुशबू ज़्यादा आ रही है गुलाब की कम आ रही क्योंकि उसकी वो ना, उसकी नेचुर हाँ वो डेफिनेटली इम्पेक्ट पड़ता है देखिए सब सभी सभी फूलों की क्वालिटी सभी फूलों की अपना अपना नेचर सबका अलग होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप जिसका भी हम डिस्ट्रेशन करेंगे तो तरीके से हम उस उस नेचर नेचर वाली चीज़ से ही ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है यानी कि नेचर वाली चीज़ में अलग जब आप उसको अलग अलग चीज़ को फॉलो होगी दो दो मिनटों या स्ट्रिप में लगा के आप रख देते हो किसी स्ट्रिप में अलग अलग प्रोडक्ट को और आप देखते हो तो डेफिनेटली आपको उसमें अंतर दिखेगा आपको चमेली मैंने उसको ताया दिखे कि उसका गुलाब बिल्कुल ड्राई डाउन में जाकर खत्म हो चुका और जो जी हाँ ये भी पॉसिबल है ये कोई बड़ी बात नहीं कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ जी घंटे तक चल जाए नहीं चल पाएगा छः घंटे तक ठीक है तो वो चीज़ होती है इसमें तो फिरंगी पानी भी क्या फिरंगी पानी आपको वो उसी जिस चमेली वाली रेंज हो गई या फिर आप उसकी लाइनअप की बात करो तो आपको डेफिनेटली ना वो ज़्यादा लास्टिंग दे ठीक है तो आ, अगर मैं इसमें एक बात पूर्ण दाई की जैसे कि आपने फिरंगी पानी की बात ये जो अतर है फिर पानी का जो नॉर्मल फॉलो अतर था उसके लास्टिंग इसकी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आप ठीक हाँ राम मैं देखिए अगर हम बात अगर आप लास्टिंग की अगर बात कर रहे हो तो देखिए मोदिया की जो ओबरा होता है उसकी लास्टिंग भी अब नहीं है। आप समझो अगर कोई भी फ्लोरल होता है पाँच घंटे छः घंटे की लास्टिंग दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है मैं गुलाब की बात नहीं कर रहा हूँ नया केवड़े के, के, के तो मैं नहीं करता लास्टिंग में हाँ क्योंकि चाहे आप उसमें सुपर सेंड फ्रेड क्यों ना लो जो क्लियर कट बात है वो आपको बता रहा हूँ आप सुपर सेंड फ्रेड में लोगे तो बहुत ही मुश्किल है कि वो पंद्रह बीस मिनट भी आपको लास्टिंग दे दें बहुत लग पाता है हाँ वो इसलिए सेंट्रल और उसके साथ ज़्यादा होता है इसलिए वो उसे थोड़ा लास्ट तक प्रोजेक्ट कर देता है लेकिन इतना नहीं कर पाता कि वो आप पाँच घंटे तक लास्टिंग दे देता है लेकिन हाँ ये चीज़ें फिरंगी पानी बहुतिया भी लास्टिंग कम नहीं है इन दो तीन फ्लोर चीज़ों को छोड़ के बाकी सब ही लास्टिंग बहुत अच्छी है और फिरंगी पानी की तो और ही अच्छी है ये पानी जो ये है इसका कहाँ यूज़ होता है क्या लोग इसको पूजा पाठ में यूज़ करते हैं या फिर मज़ारों के लिए कहाँ यूज़ सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि बाकी फ्लॉट होता है तो क्लियर है, तो 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 है कि अगर गुलाब का है वो तो, तो, तो एक तरीके से यूनिवर्सल रहता है उसको रह। तो पूजा पाठ में मेन फीमेल सब कोई भी यूज़ कर सकता है सबसे ज़्यादा गुलाब की बात करें हाँ देखिए इसका क्या एप्लीकेशन अपलिकेशन दस देखिए राम देखिए इसमें अगर हम इसकी बात करें तो मेनली ये पूजा पाठ में तो यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है फ्रेंड ये बात तो वो यूज़ पूजा पाठ में करते हैं और देखिए लगाने में भी बहुत ही लाजवाब है इसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जी फी लगाए या मेल लगाए क्योंकि ये एक फे एक तरीके से फ्लोर टोरी स्मेल है तो इसमें कोई भी ये नहीं कि मेल डोमिनेट है या फीमेल डोमिनट है कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आप आराम से इसको यूज़ कर सकता है कोई भी बहुत ही अच्छी जब आप अगर भगवान की सेवा में भी इसको लगाते हो ना तो आपको को देख अच्छा इसका जो प्रोजेक्शन होता है ना वो पूरे उस एनवायरमेंट को बहुत ही अच्छा कर देता है लगाने के बाद और अगर आप इसको जो हमारा प्रॉपर जो पे वो सैंडलवुड है या अलग जो भी जहाँ से भी आप लेते हो अगर उसके साथ इसको आप ऐड करके लगाते हो भगवान के या अपनी बॉडी को भी अप्लाई करते हो तो इसमें एक तरीके से आप बोल सकते हो चार चांद ना किसी में इसमें तो आ जाती है तो चीज़ भाई में तो वही कितने दे रहे हैं आप जो हमारा रंजी पा है उसमें कितने वेरियंट अभी आप इसमें राम भाई हमारे वेरियंट वही जो हमारी रेंज रहती है थ्री ट्वेंटी से स्टार्ट होती है और फिर सुपर सेवन क्रिएट तक जाती है तो मेरे हिसाब से भाई सात आठ वेरियंट सर थ्री ट्वेंटी प्राइज नहीं है मैं क्लियर करना चाहता हूँ दर्शकों को ठीक है और इसमें इसमें राम भाई मैं तिखा भी देता हूँ ये कुछ इस तरीके का ये मेरे हाथ में भी अबसे जो अच्छे मतलब इसका रोग हाँ 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 इसकी रोग है लेकिन इसका आपको तो कलर इससे थोड़ा उन्नीस बीस उसमें मिलेगा क्योंकि उसमें सैंडल वुड होता है सैंडल वुड का कलर थोड़ा और हल्का होता है तो आपको मेनली इसी टाइप का मिलेगा बिल्कुल येलो होता है हल्का फुल का उन्नीस बीस का फ़र्क चलता है वो हर बैच की अलग अलग ही खासियत होती है तो इस टाइप का कलर उसमें ये चीज़ होती है हाँ तो इस टाइप का आप फसम मुझे कोई सैंपल मंगाना चाहें अगर इसका बड़ी क्वान्टिटी में ना होकर के तो क्या आप इस सैंपल में प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका सैंपल पैक है उसमें आप प्रोवाइड कर रहे हाँ हाँ उसमें देखिए वन ग्राफ वाले सैंपल पैक में हमारे मिनिमम टेन प्रोडक्ट की उसमें वो की हुई है तो उसमें इंक्लूडेड है सब ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट इंक्लूडेड है उसमें अगर कोई स्टार्टिंग में क्या पिकनर पीकने तर का या कोई सिर्फ देखना चाहता है कैसी क्या आतर क्या चीज़ होती है तो बट डेफिनेटली वन ग्राम वाला पैक अपना आराम से ट्राई करके देख सकते हैं फिर जब उन्हें अच्छा लगे तो वो सिलेक्ट करते हैं उसमें से ऑर्डर कर सकते हैं अच्छा ठीक है अर्जीत भाई अच्छा मैं एक और चीज़ पूछना था नहीं जैसे कि आपका ये जो आता थी। है ठीक है ये बारी का आपने नाम बता जी और जो बात आता है तो ये जो अतर है इसके अंदर बाकी फ्लोरल अर से और क्या डिफरेंस जैसे कि आपने भी बात बताई कि इसका प्रजिस्टेंट थोड़ा सा अच्छा मिलेगा इसके लास्टिंग थोड़ी सी बेटर क्या और भी इसमें कोई डिफरेंस है और कहाँ सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड कहाँ ज़्यादा रहती है अगर मैं रीजन वाइज बात करूँ मेरी फीमेल वाइज बात कर कहाँ इसकी डिमांड रहती है ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया की बात करनी थे जी राम देखिए इसकी अगर जैसे सबसे ज़्यादा फ्रेंडी पानी की जो जितने डायर था वो देखिए कुछ ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे जैसे हिमाचल वगैरह में रिक्वायरमेंट अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जैसे थोड़ा इस वगैरह का जो भी कल्चर तो है या मैं बुआत ही बात करूँ तो वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा जाती हैं अच्छा और इसकी जैसे अगर मैं आप इसकी चीज़ अलग क्वालिटीज़ में क्या है अलग जैसे जो भी मैंने फ्लोरल या फ्लावर्स सीरल जो भी आता देखिए इसकी खुशबू सबसे डिफरेंट है अगर आप जैसे अगर जो लोग चंपा में इजीली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तो एक तरफ वो चंपा को लगाएं एक तरफ़ इसको लगाएँ फिरंगे बांध तो उन्हें डिफरेंस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी क्योंकि गुलाब से तो इसका कम्पेरिज़न नहीं है ना कि किसा कंपेरजन है इसका जो मेन कम्पटीटर अगर आप मान लो तो वो चंपा है और ही फिरंगी पानी ये जब आप लगाओ तो डिफरेंस समझ में आ कि इसलिए इन दो को डिफ्रेंस सीट करना ये एक जायज़ चीज़ होगी वो तो डेप बात होगी गुलाब और इसका कोई कंपेरिजन नहीं है इसी को दोनों का बाकी मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं सब जी मेल फीमेल दोनों ही लगा रहे थे गुलाब किसको पसंद नहीं है ना वो बुरा किसको पसंद तो वैसे एक ये भी अतर है जो मैं समझ पा रहा हूँ और मेन सीमेंट कोई भी लगाइए ठंड में लगाइए गर्मी में लगाइए कभी भी लगा सकते हैं फ्रॉड रहता है तो डेफिनेटली लगभग सभी लोगों को पसंद आता है फूड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और सबकी अपनी अलग पसंद होती है अलग अलग लोगों का स्टॉक बहुत पसंद करने वाली फीवर मैंने कुछ देखी है बट बहुत कम रहती है जी जी तो रचित भाई आ, आ, आज की वीडियो में आई गई इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं बाकी अगर फ्रेंजी पानी से रिलेटेड कोई अगर किसी के कोश्चन्स हो डाउट हो व्हाट्सएप व्हाट्सएप की लिंक है नीचे जाकर आप आराम से उसमें Uh, कर सकते हैं कॉल करने से बेटर है आप व्हाट्सअप करिएगा नीचे लिस्ट भी ऐड कर दूंगा मैं स्लाई विंग्स वगैरह जो होगी अपडेट होगी तो अशित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपने फ्रंजी पानी के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई और हमने डिस्कस करी तो उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी कुछ नई चीज़ें जानने को ज़रूर मिली होगी और भी अगर आपको लगता है इस अतर के बारे में कोई इन्फॉमेसन इसमें रह गई या आपको कोई इन्फॉमेसन इसके बारे में और अच्छी पता हो इस फूल के बारे में इसके इतिहास के बारे में तो आप कॉमेंट में आराम से अपने हाँ उन पर हम शेयर अपनी बात लिख सकते हैं ताकि बाकी को भी जानने को मिले क्योंकि तो हमारे पास टाइम ये मिले रहता है और काफ़ी चीज़ें डॉल करनी होती है तो रशिद भाई बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस वीडियो में और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तब के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जय हिंद फ्रॉन दिन